ओम शांति। नमस्कार आप सभी रूहानी स्नेही बहनों और भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। जीवन में नवीनता बहुत प्रिय लगती है। कुछ भी नया होता है, एक नया उमंग आता है, नया उत्साह आता है और जीवन में कुछ नया करने का मन होता है। क्यों नहीं हम जीवन में कुछ ऐसी बातें करें जो हमारे जीवन को बहुत प्रिय, आगे बढ़ाने वाली, उन्नति को पाने वाली, सुखदायी हों। मनुष्य जीवन में कई प्रकार की आदतें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ वैसी भी होती हैं, लेकिन क्यों नहीं हम ऐसे नए संस्कार, नई कुछ आदत जीवन में बना लें जो हमें जीवन में बहुत सुख अनुभव हो, आगे बढ़ता हुआ महसूस हो। तो मैं आज यही कहूँगी कि वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य के आगे अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ, बातें, उलझने और बहुत कुछ वो बहुत जल्दबाजी में कर लेता है। थोड़ा सा उतावलापन भी होता है कि मेहनत इतनी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत से फल बहुत अच्छा आ जाए, परिणाम बहुत रातों रात ऐसा निकल जाए कि हम क्या से क्या बन जाए, पर रिजल्ट में अगर वैसा नहीं होता तो बड़ी बेचैनी, घबराहट, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन भी होने लग जाती है या अनेक ऐसे कोई गलत परिणाम भी सामने आ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत आवश्यक है कि हम पेशेंस रखें, धैर्यता हो, धीरज। वैसे भी कहा जाता है कि धीरज का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। अब इसका ये भाव अर्थ नहीं है कि हम सिर्फ इंतज़ार ही करते रहें, लेकिन ये है कि हमारा लक्ष्य दृढ़ हो, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें चाहे मेहनत भी करनी पड़े लेकिन लगन से हम करते चलें। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ अरबपति थे, उनको एक असिस्टेंट की आवश्यकता थी। तो बहुत सारे लोग आए उनके पास, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एक तालाब है खेतों के साथ, उसको खाली करना होगा। तो सबने कहा हाँ, जो भी कोई आया, और उनको एक बर्तन दिया गया कि इस बर्तन से भर भर के इस तालाब को खाली करना है। लेकिन उस बर्तन में एक छेद था, जो भी शुरू करता तो थोड़ी ही देर के बाद परेशान हो जाता और छोड़ देता। लेकिन एक व्यक्ति आया जो उसको लगन से करता रहा, वो समझ गया यही मेरी परीक्षा है, और उस छेद वाले बर्तन से ही उस पानी को भर भर के निकालता रहा। आखिर कुछ दिन के बाद तालाब खाली हो ही गया, और जैसे ही खाली हुआ तो उसे वहाँ पर एक हीरे की बहुत सुंदर अंगूठी मिली। उसने उस अरबपति व्यक्ति को वो दिखाई तो उस व्यक्ति ने मन में बहुत हर्षाते हुए निर्णय लिया कि यही योग्य व्यक्ति है जो मेरा असिस्टेंट बनकर चल सकता है और मेरे किसी भी कार्य में पूरी तरह सहयोगी हो सकता है। क्योंकि बड़े व्यापार के अंदर तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विघ्न आते हैं और उन्हें पार करने के लिए धैर्यता चाहिए। प्यारे भाई बहनों, जीवन में सफलता धैर्यता से ज़रूर मिलती है, क्योंकि धैर्यता से हमारी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में ठीक निर्णय नहीं ले पाते हैं, तुरंत सोचते हैं कि ऐसा परिणाम आ जाए, अभी बीज बोए और अभी आम आ जाए, ये संभव भी कहाँ तक है, और अगर होगा भी तो ज़रूरी नहीं वो हमारे अनुसार ही हमें प्राप्ति हो पाए। तो धीरज के लिए पेशेंस आ जाए, लगन से करना, मेहनत से करना, लेकिन वो सहज भी हो, सुखदायी भी हो। तो मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहूँगी। धीरज आना एक हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में मनुष्य कई बार, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि परिणाम ठीक नहीं निकलता है, निर्णय भी ठीक नहीं हो पाता है। तो पहली बात तो हम जो कुछ भी करें
पहले सोचें, समझें और फिर करें। ऐसे नहीं हो उसी समय तुरंत संकल्प आया और कर डाला तो कभी कभी परिणाम अच्छे नहीं आते हैं और मनुष्य जीवन से हताश हो जाता है। और दूसरी बात, फॉर साइटेडनेस चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए। प्रेजेंट को देखकर हम सोच ले ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन उसका भविष्य में क्या रिजल्ट होगा दूर तक सोचे, क्योंकि आज जो वर्तमान है वो पास्ट हो जाएगा और जो आगे वर्तमान होगा वही हमारा भविष्य है आज के समय में। तो हमें उस रिजल्ट को थोड़ा दूरंदेशी होकर बहुत विचार करके लगन से कार्य करते चले जाना चाहिए और हमारी इंद्रियों पर भी थोड़ा अंकुश होना चाहिए। ऐसे नहीं जो अच्छा लगा वो कर डाला, कुछ भी है आंखों से देख लिया, मुख से बोल लिया, कर्मों में कर लिया या मन में जो आया हम कर लेते हैं जी, तो नुकसान हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान आज देख ही रहे, बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो धीरज एक ऐसा संस्कार है, ऐसी विशेषता है जो हमें जीवन में निर्णय के साथ साथ अन्य कई शक्तियां भी प्रदान करता है। एक मौका मिलता है, एक समय मिलता है कि हम परख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि ऐसा करने में ही मेरा फायदा होगा, अन्यों का भी नुकसान नहीं होगा और ऐसा ही जीवन वास्तव में एक सफल जीवन है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। लगन लगी ही रहती है, धीरज हमें कभी भी हैरान परेशान नहीं करता है और वह मेहनत मेहनत नहीं लगती, खुशी खुशी से करते रहते हैं। तो इतना ही मैं कहूँगी, ज़रूर आप इस बात को भी जानते ही होंगे लेकिन थोड़ा आज की परिस्थितियों में इस पर ध्यान देना और ज़रूरी है, क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, औरों को भी देखकर कई बार मन में आ जाता है मैं भी ऐसा कर लूं, लेकिन मेरे आगे परिस्थितियाँ कैसी हैं, मेरी शक्ति कितनी है, ये यथार्थ सोच समझ कर करने से ही सफलता मिलती है। और आप सदा जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभ भावना शुभकामना आपके साथ है। और नवीनता आपके जीवन में नए नए गुण और नया नया आयाम लाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ। ओम शांति। नमस्कार।